मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में 1.6 के क्वेश्चंस की जो हम वेन डायग्राम के ऊपर और यूनिवर्सल सेट के ऊपर बेस थे, उसमें हमने फॉर्मूलेस पढ़े यूनियन और इंटरसेक्शन के। नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल नंबर 27, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। में क्या कहा गया है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद द स्किन डिसऑर्डर, 120 हैज एक्सपोज टू द केमिकल C1 एंड 50 टू द केमिकल C2। 200 को स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, टोटल कितने 200 टोटल ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको 200 जिनको किसकी प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर की, मतलब स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनके, और 120 ऐसे जिनको केमिकल C1 से प्रॉब्लम हुई है, और 50 ऐसे जिनको केमिकल C2 से प्रॉब्लम हुई है। मतलब केमिकल C1 वाले कितने, 120 जिनको केमिकल C1 से प्रॉब्लम हुई थी, और केमिकल C2 वाले कितने, 50 जिनको केमिकल C2 से प्रॉब्लम हुई थी। और लिखो 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड केमिकल C2। एंड का मीनिंग मैंने बताया था, और का मीनिंग बताया था, एंड का मीनिंग बताया था। और का मीनिंग क्या होता है, यूनियन, और एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन। मतलब 30 ऐसे जिनको दोनों से प्रॉब्लम है, C1 से भी और C2 से भी। क्लियर? और इसके बाद हमने क्या निकाला है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू द केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, जिनको सिर्फ और सिर्फ केमिकल C1 से प्रॉब्लम हो बट केमिकल C2 से प्रॉब्लम ना हो। मतलब इतना सही कह सकते हैं कि हमने क्या निकालना है, ओनली C1 निकालना है, सिर्फ और सिर्फ C1 निकालना है। और सेकेंड पार्ट में केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, जिनको सिर्फ और सिर्फ C2 से प्रॉब्लम, मतलब ओनली C2, सिर्फ और सिर्फ C2 से प्रॉब्लम हो, C1 से प्रॉब्लम ना हो। मतलब जिनको सिर्फ C2 केमिकल से प्रॉब्लम हो, C1 केमिकल से प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद थर्ड क्या है, केमिकल C1 और C2, केमिकल C1 और केमिकल C2। अब इसका क्या मीनिंग है, केमिकल C1 और का मीनिंग क्या होगा, यूनियन, और C2 एज इट इज। हमें ये निकालना है, 3 टर्म्स हमने निकालने हैं। फर्स्ट में क्या निकालना है, ओनली C1 जिनको सिर्फ और सिर्फ C1 से प्रॉब्लम हो, और सेकंड में क्या निकालना है जिनको सिर्फ और सिर्फ C2 से प्रॉब्लम हो, और थर्ड में क्या निकालना है जिनको दोनों से प्रॉब्लम हो, C1 यूनियन C2। अब इसको पहले वेन डायग्राम से करके देखते हैं, वेन डायग्राम से बिल्कुल इजी पड़ेगा। टोटल हमारे पास 200 है जिनको स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, और 120 ऐसे जिनको C1 से प्रॉब्लम है, 50 ऐसे जिनको C2 से प्रॉब्लम है। ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, और ये वो हो गया जो दोनों में कॉमन है, जिनको दोनों से प्रॉब्लम है, C1 और C2 से, और C1 एंड C2 से टोटल कितने हैं, 200। मतलब पूरा टोटल कितने हैं, 200, और C1 में कितने हैं, 120। मतलब इसमें टोटल कितने हैं, 120, और C2 में कितने हैं टोटल, 50। अब यहां मुझे इस हिसाब से वैल्यू को एडजस्ट करना है कि इन तीनों का टोटल कितना है, 200 है। चाहे उसको मीन एंड ट्रायल मेथड से करें, चाहे फॉर्मूले से करें, मुझे इसको इस हिसाब से यहां पे एडजस्ट करना है कि इसका टोटल कितना है, 200 है। देखते हैं कैसे होगा। यहां पे एक तो हमारे पास हमें ये वाले की 30 ऐसे जिनको दोनों से प्रॉब्लम है, हमारे पास सोल्यूशन में नहीं गया इसका, कि 30 ऐसे जिनको दोनों से प्रॉब्लम है, और 120 ऐसे थे जिनको C1 से प्रॉब्लम है। अब 30 तो यहां चलेगा, बाकी क्या बचा, 19, और 50 में 30 यहां चलेगा, बाकी क्या बचा, 20। दोबारा देखते हैं, C1 इंटरसेक्शन C2 का मीनिंग है 30 ऐसे जिनको दोनों से प्रॉब्लम है, C1 एंड C2 से। उसके बाद जो 120 है केमिकल C1 से इनको प्रॉब्लम है, जिसमें 30 यहां चले गए, बाकी क्या बचा, 90, और ये C2 वाले कितने थे, 50 थे, 50 में से 30 यहां चले गए, बाकी क्या बचा, 20। क्लियर? और उसके बाद हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, जिनको सिर्फ और सिर्फ केमिकल C1 से प्रॉब्लम है, C2 से प्रॉब्लम ना हो, ओनली केमिकल C1, केमिकल C1 का मीनिंग है ओनली C1। अब वेन डायग्राम में देखते ही पहले लग रहा है ओनली C1 वाला कौन सा है, 90। क्लियर? मतलब 90 ऐसे जिनको C1 से प्रॉब्लम है, और 120 ऐसे जिनको C1 से प्रॉब्लम है, 90 ऐसे जिनको ओनली C1 से प्रॉब्लम है,
और 120 ऐसे जिसमें सी वन भी आएगा और सी टू भी आएगा, और ओनली सी टू वाले कितने, जैसे सेकंड पार्ट है केमिकल सी टू बट नो केमिकल सी वन, जिनको सिर्फ और सिर्फ ओनली सी टू से प्रॉब्लम हो वो कितने हमारे 20, और जिनको सी वन से प्रॉब्लम है ओनली वो 90 है। जो अगर यहाँ पूछता क्वेश्चन में कि सी टू वाले कितने हैं तो 50 आता है, जो अगर ओनली सी टू पूछ रहे तो 20 आएगा, जो अगर क्वेश्चन पूछता कि सी वन का तो 120 आता है, जो अगर ओनली सी वन पूछ रहे तो 90 आएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, सी वन और सी टू, अब इनका सबका टोटल क्या आएगा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा, ये 140। क्लियर, क्योंकि सी वन यूनिट सी टू का मतलब सब कुछ आ जाएगा, 90 भी आएगा, 30 भी आएगा और 20 भी आ जाएगा। क्लियर, अब इसको हम करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, इसमें क्या निकाला था, ओनली सी वन, ओनली सी वन का मीनिंग क्या, वेन डायग्राम से इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ओनली सी वन, ओनली सी वन कैसे निकालूंगा, पूरे सी वन में से क्या माइनस कर दूंगा जो दोनों में कॉमन है। क्लियर, जब मैं पूरे सी वन में से ये कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली सी वन, और सी वन वाले टोटल कितने हैं 120, और दोनों में कॉमन क्या था 30, तो क्या आ जाएगा 90, क्योंकि मुझे सिर्फ ओनली सी वन चाहिए, ओनली सी वन का मीनिंग है जिनको सिर्फ और सिर्फ सी वन से प्रॉब्लम हो, ओनली सी वन। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या, ओनली सी टू, जिनको सिर्फ और सिर्फ सी टू से प्रॉब्लम हो। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस पूरे में से एन ऑफ सी टू में से माइनस कर देंगे जो दोनों में कॉमन था, और एन ऑफ सी टू कितना है 50, ये पूरा कितना है 50, और माइनस जो दोनों में कॉमन था वो क्या था 30, तो कितना बचेगा दैट इज 20। क्लियर, उसके बाद क्या निकालना है, हमें यूनियन निकालना था, इस यूनियन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सी वन यूनियन सी टू क्या होगा, एन ऑफ सी वन प्लस एन ऑफ सी टू माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ सी वन हमारे पास कितना है दैट इज 120, और एन ऑफ सी टू कितना होगा, ये एन ऑफ सी वन कितना है 120, एन ऑफ सी टू कितना है 50, और दोनों में कॉमन क्या है दैट इज 30, तो क्या आ जाएगा यहां से 170 माइनस 30 कितना आ जाएगा, यहां से 140 आ जाएगा। आंसर सेम ही आएगा चाहे वेन डायग्राम से करो चाहे फॉर्मूले की हेल्प से करो, जो फॉर्मूले वो वेन डायग्राम से ही ड्राइव किए गए। ओके, एग्जांपल नंबर 32, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, एक मार्केट रिसर्च ग्रुप ने सर्वे किया 1000 कंज्यूमर्स का, और उसमें रिपोर्ट की गई कि 720 जो कंज्यूमर है वो एक प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, जो 720 कंज्यूमर है वो एक प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, और जो 450 कंज्यूमर है वो बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो बी प्रोडक्ट वाले कितने आ जाएंगे 450। उसके बाद व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, मतलब कम से कम ऐसे कितने परसेंट है जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, बोथ प्रोडक्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करे, दोनों प्रोडक्ट को लाइक करे मतलब जो दोनों को लाइक करेंगे, दोनों को लाइक करेंगे मतलब दोनों का कॉमन आ जाएगा, मतलब ऐसे कितने कम से कम पर्सन है जो दोनों को लाइक करते हैं, ए को भी एज वेल एज बी को भी। और हमारे पास फर्स्ट टाइम देखो है ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, टोटल कितने कंज्यूमर्स है हमारे पास 1000, टोटल का मीनिंग ए यूनियन बी कितने है 1000 कंज्यूमर्स है, और हमें क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, हो जाएगा फॉर्मूले की हेल्प से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, और एन ए कितने हमारे पास 720, एन बी कितने 450, और इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें निकालना है, या फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनियन आ जाएगा, और हमारे पास एन ए यूनियन बी कितने गिवन है 1000, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1170 माइनस 1000, और कितना आ जाएगा 170। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 33, आउट ऑफ द 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन कार ए एंड 200 ओन कार बी, 50 ओन बोथ ए एंड बी, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो 400 ओन कार बी, कार ए, और जो 200 है ओन कार बी, और जो 50 है बोथ ए एंड बी, और हमारे पास टोटल कितने हैं 500
इन्वेस्टिगेटेड, पहले थ्री इन्वेस्टिगेटेड क्योंकि जिसमें से 400 ए को लाइक करते हैं, 200 बी को लेना पसंद करते, 50 ऐसे जो दोनों को लेना पसंद करते हैं। ये बताना है इस डाटा करेक्ट, क्या ये डाटा करेक्ट है या गलत है, हमें ये बताना है। क्या ये डाटा करेक्ट है या गलत है, हमें ये बताना है। अब इसको करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। हमारे पास ए एंड बी गिवन है, ए एंड बी का मीनिंग है एन ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास गिवन है 50 और एन ए हमारे पास कितना है 400 और एन बी कितना है हमारे पास 200। तो हमें बताना है कि हमारा जो डाटा है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एन ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। जो अगर एन ए यूनियन बी 500 आएगा तो हमारा डाटा क्या होगा, करेक्ट होगा। देखते हैं क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए हमारे पास कितने 400 और एन बी हमारे पास कितने 200 और जो कितना ऐसे कितने जो दोनों को लाइक करते हैं 50। क्या आ जाएगा यहाँ से 550, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है टोटल कितने 500, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 550, इसलिए डाटा करेक्ट नहीं है। इसको मैं डायग्राम से भी कर सकते हैं, जो कर यहाँ पे 500 आता फिर तो हमारा डाटा करेक्ट था क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यूनियन ही दे रखी है कितने 500। जैसे इसको मैं डायग्राम से करके देखते हैं, दोनों का कॉमन कितना है 50, तो अब ये ए है ये बी है, ए में कितना है 400, 400 में से 50 पहले ही आ गया, बाकी कितना बचा हमारे पास 350, तो 350 यहाँ पे आ जाएगा। और बी में से 50 पहले ही आ गया, 200 था टोटल, 200 में से 50 यहाँ चलेगा, बाकी कितना बचा 150। और हमने क्या निकालना है इसके अंदर, इसका यूनियन चेक करने की यूनियन 500 आएगा या फिर नहीं आएगा, इन सबको प्लस कर देंगे और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 550, और आने कितना चाहिए था 500 आना चाहिए था, बट क्या आ रहा है 550 आ रहा है, इसलिए डाटा करेक्ट नहीं है। क्लियर। Example number 34, that is the most important. A college awarded 13 medal in the football. College ने 13 medal दिए football के अंदर, और basketball के अंदर 15 दिए, और 20 cricket. Cricket में कितने medal दिए? 20. If these medals went to the total of 58 men, और ये जो medal गए 58% के पास गए हैं, और उसमें से 3% ऐसे हैं जिनको तीनों medal मिल रहे हैं, football में भी, basketball में भी, cricket में भी. How many received medal in exactly two of three sports? कितने ऐसे पर्सन है जिसको दो में मेडल मिल रहे हैं, मतलब क्रिकेट बास्केट वाले भी, और बास्केट क्रिकेट और बास्केट वाले भी, बास्केट और फुटबॉल वाले भी, और फुटबॉल और क्रिकेट वाले भी, मतलब इनका पेयर आ रहा है, इनका पेयर और इनका पेयर और इनका पेयर। हमें बताने की ऐसे कितने जिनको बास्केट में और फुटबॉल में, और बास्केट में क्रिकेट में और क्रिकेट में और फुटबॉल में मेडल मिल रहे हैं। पहले इसको मैं डायग्राम से करके देखते हैं, 38 पहले इसको तीनों को बना लेंगे मैं डायग्राम, फुटबॉल का भी, क्रिकेट का भी और बास्केट का भी। ये हो गया फुटबॉल का, ये हो गया क्रिकेट का, और ये हो गया बास्केटबॉल का। क्लियर। अब सबसे ना सबसे पहले हम क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करेंगे, चाहे 2 वाला हो चाहे 3 वाला हो, जो कॉमन होगा। सबसे लास्ट से पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ, ओनली 3 मैन गोट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। 3% ऐसे हैं जिनको तीनों में मेडल मिल रहा है, फुटबॉल में भी, बास्केट में भी और क्रिकेट में भी। अब इन तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगा, फुटबॉल में भी, बास्केट में भी, क्रिकेट में भी, कितने हो 3, क्योंकि क्या लिखा हुआ, ओनली 3 मैन, मतलब 3% ऐसे हैं जिसको फुटबॉल में मेडल मिल रहे हैं, बास्केट में मिल रहे हो, क्रिकेट में मिल रहा है। ये पार्ट जो है वो तीनों में कॉमन आ गया, फुटबॉल में भी, बास्केट में भी और क्रिकेट में भी। हमने इसको ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया और सी नाम दे दिया। क्लियर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं इसको फॉर्मूले की हेल्प से लिख रहा हूँ, एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि ऐसे पर्सन जो फुटबॉल में मेडल ले रहे हैं, बास्केटबॉल में भी ले रहे हैं, क्रिकेट भी ले रहे हैं, कितने 3। अब मैं ये पूछ रहा हूँ एफ इंटरसेक्शन बी, ऐसे कितने पर्सन है जिसको फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिल रहा है, जिसको फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिल रहा है, कितने हैं, जिसको फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिल रहा है, कितने हैं, ए प्लस 3। और फिर उसके बाद एन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे कितने जिसको बास्केट और क्रिकेट बॉल में मेडल मिल रहा है, बास्केट और क्रिकेट में मेडल मिलने का मतलब है जिसको बास्केट और क्रिकेट में कॉमन पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन है जिसको बास्केट और क्रिकेट में मेडल मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से बी प्लस 3। उसके बाद ऐसे कितने जिनको फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिल रहा है, ऐसे कितने जिनको फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिल रहा है, कितने सी प्लस 3। यहाँ पे क्या आएगा सी प्लस 3।
दोबारा देखते हैं ऐसे कितने इसको फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिल रहा है C+3, बास्केट और क्रिकेट में मेडल मिल रहा है B+3, फुटबॉल और बास्केट में मेडल मिल रहा है A+3 और 3 ऐसे लिखो तीनों में मेडल मिल रहा है और हमने निकाला गया हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स तीनों स्पोर्ट्स में से जिसको दो में मेडल मिल रहे हैं अब ए ऐसा है जिसको फुटबॉल में भी और बास्केटबॉल में मेडल मिल रहा है एक तो ए निकालना है बी ऐसा है जिसको क्रिकेट और बास्केटबॉल में मेडल मिल रहा है बी भी निकालना है और सी ऐसा है जिसको फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिल रहा है ये हमने निकालना है A+B+C निकालना है और ये पार्ट वो है जो रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 or 3 स्पोर्ट्स जिसको तीन में से दो पे मेडल मिल रहे क्लियर हमें ये निकालना है अब देखते हैं कैसे निकालेंगे हमारे पास फुटबॉल का गिवन है NOF हमारे पास कितने 38 और बास्केटबॉल का हमारे पास गिवन है कितने 15 और क्रिकेट का हमारे पास गिवन है कितने दैट इज 20 क्लियर और हमारे पास टोटल पर्सन कितने 58 टोटल पर्सन का मीनिंग है एफ यूनियन बी यूनियन सी कितने 58 मतलब 58 पर्सन को क्या मिल रहा है मेडल मिल रहा है क्लियर और हमने क्या निकालना है A+B+C निकालना कैसे निकालेंगे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ तीन वाला एफ यूनियन बी यूनियन सी तो क्या फॉर्मूला होगा NOF प्लस NOB प्लस NOC माइनस दोनों का कॉमन एफ और बी का फिर बी एंड सी का कॉमन फिर सी और एफ का कॉमन प्लस एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था ये मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन का टॉपिक कराया था उसमें ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था अब F यूनियन B यूनियन C कितने हमारे पास 58 और फुटबॉल वाले कितने 38 और बास्केटबॉल वाले 15 और क्रिकेट वाले 20 माइनस और फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले कितने दैट इज A+3 और B इंटरसेक्शन C वाले कितने B+3 और C इंटरसेक्शन F वाले कितने दैट इज C+3 और जो तीनों के अंदर कॉमन है वो कितने दैट इज 3 हमारे पास गिवन है सब कुछ अब हमें क्या निकालना है A+B+C निकालना है सिंपल कैलकुलेशन करनी है क्या आएगा 58 इज इक्वल टू यहां से इसको ऐड कर देंगे 3 और 4 5 73 माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे -A-3 -B-3 -C-3 प्लस 3 यहां से ब्रैकेट ओपन कर दी साइन चेंज हो जाएंगे 3 से 3 कट जाएगा तो यहां से क्या आएगा 58 इक्वल टू 73 माइनस 3 70 आएगा 70 में से 3 गए 67 माइनस ए माइनस बी माइनस सी ये तीनों टर्म माइनस के वहां जाके क्या हो जाएगी प्लस की और क्या आएगा 67 ये प्लस का 58 है वहां जाके माइनस का आ जाएगा और कितना आ जाएगा हमारे पास 9 क्लियर मतलब 9% ऐसे हैं जिसको तीनों में से दो में मेडल मिल रहा है फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल और क्रिकेट में क्रिकेट और बास्केट में बास्केट और